हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉप ऑफ राउंड 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है। काफ़ी अच्छी खबर है आप सभी के लिए जिनका भी एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, तो आपके लिए एक उम्मीद का किरण जगा हुआ है कि आपका एडमिशन जो होगा मॉप ऑफ राउंड 2 में होने की चांसेस है, जिनका भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग प्रॉपर डिटेल को समझ लेते हैं। क्या नोटिफिकेशन में बताया गया, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और कब से आपका मॉप ऑफ राउंड स्टार्ट होगा, प्रॉपर शेड्यूल को रिलीज़ किया गया। ये आज का नोटिफिकेशन है, आप सामने देख सकते हो डेट को 13 अक्टूबर यानी 13 अक्टूबर 2024। नोटिस आप देख सकते हो, पब्लिक नोटिस। चलिए हम नोटिस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और अच्छे से समझते हैं आपको आसान भाषा में। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024-2025 मॉप ऑफ एडमिशन राउंड 2। तो देख लीजिए, इन्होंने ये बोला है कि यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड अ मॉप ऑफ राउंड एडमिशन 2, मतलब मॉप ऑफ राउंड एडमिशन राउंड 2 फॉर एडमिटिंग कैंडिडेट इन द सर्टन शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज एंड प्रोग्राम ओनली। तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि मॉप ऑफ राउंड एडमिशन राउंड 2 होगा, जो भी मतलब ये शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज होंगे उन्हीं के लिए होगा, सब सारे कॉलेजेस के लिए नहीं होगा। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीटें अवेलेबल रहेगी ना, उन्हीं के लिए एडमिशन होगा। तो वो लोग प्रॉपर एक निकालेंगे, वैकेंट लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि द यूनिवर्सिटी विल बी डिस्प्ले द वैकेंट सीट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज एंड प्रोग्राम फॉर विच मॉप ऑफ एडमिशन राउंड 2 इज वैलिड ऑन द एडमिशन वेबसाइट www.admission.uod.ac.in ऑन मंडे अक्टूबर 14, 2024। तो जो वैकेंट सीट है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज और प्रोग्राम के लिए जो रहेगा मॉप ऑफ राउंड एडमिशन जो चलेगा आपका, उनका जो लिस्ट को रिलीज़ किया जाएगा वो मंडे 14 यानी 14 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग का जिक्र नहीं किया गया, नीचे देख लेते हैं टाइमिंग है कि नहीं। ठीक है, जो दूसरा नंबर पॉइंट में इन्होंने ये बोला है, जो एडमिशन जो रहेगा मॉप ऑफ राउंड 2 का, वो टोटली मेरिट के बेसिस पे रहेगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे रहेगा। बस आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्लूटीन में दिया गया है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप एलिजिबल हो जाते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन को अच्छे से देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा, मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है और वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका जो होगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट में इन्होंने ये बोला है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर मॉप ऑफ राउंड विल बी एबल टू ऐड द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स प्लस कॉलेज फ्रॉम दियर मॉप ऑफ डैशबोर्ड https://ugadmission.uod.ac.in/mopofround। जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे मॉप ऑफ राउंड, मतलब मॉप ऑफ राउंड में अप्लाई किए होते, तो मॉप ऑफ राउंड के लिए अलग पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, तो वो अपना जो भी प्रोग्राम है कॉलेज का, जो भी प्रोग्राम है वो अपना डैशबोर्ड पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे ऐड कीजिएगा ये आपको बताया गया, एडमिशंस ugadmission.uod.ac.in/mopofround, अलग उनका पोर्टल बनाया गया था जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे। और चौथा पॉइंट भी इन्होंने ये बोला है, कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन मॉप ऑफ राउंड 1 विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। जो भी कैंडिडेट है मॉप ऑफ राउंड में, जिनका भी एडमिशन हो गया, अब सोचेंगे फिर से पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिनको एडमिशन नहीं मिला है अभी तक, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो लोग मॉप ऑफ राउंड में अप्लाई किए हुए थे। उसके बाद पाँचवा पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि जो CSAS जो पोर्टल था, जो नॉर्मल स्पोर्ट राउंड तक चला था, तो वो जो रहेगा सस्पेंडेड रहेगा जब तक मॉप ऑफ राउंड 2 चलेगा, यानी सारे वहाँ पे जो भी विड्रॉल वगैरह का जो भी ऑप्शन है, सारे चीज़ें वहाँ पे क्लोज रहेगा। उसके बाद एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द एडमिशन, कॉलेज विल चेक द मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट ऑन द एस्पेक्ट एज स्टार्टेड इन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड CSAS UG 2024। मतलब ये बोला गया है कॉलेजेस को कि जो भी एडमिशन जब कॉलेज ग्रांट करेगी, मान लीजिए किसी कोर्स कॉलेज के किसी कोर्स के कॉम्बिनेशन में, तो कॉलेज चेक करेगी आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो भी रहेगा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करेगी, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। यानी जब आपका मान लीजिए वहाँ पर नाम आ जाता है, तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, एलिजिबिलिटी वेरीफाई होगा, तभी आपको पेमेंट लिंक जनरेट किया जाएगा, नहीं तो वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कोई भी गलतियाँ पाया जाता है। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन एंड अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड बाई द कैंडिडेट दैट ही सी इज़ नॉट एडमिटेड इन एनी अदर कॉलेज ऑफ UAD फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 एज ऑन
एज ऑन डेट ऑफ एडमिशंस। इन्होंने ये बोला है कि एडमिशन के टाइम पे एक अंडरटेकिंग देना होगा कि कोई भी अदर कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया है, कहीं पे भी आप एडमिटेड नहीं हो जब आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आठवां पॉइंट पे इन्होंने ये बोला है, ये भी जो भी होगा, नो एडमिशन विल बी ग्रांटेड, कोई एडमिशन के लिए ग्रांटेड नहीं होगा जो आपके अंडरटेकिंग के बेसिस पे जब आप सबमिट करो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है, नो एडमिशन शैल बी डन ऑन सीट अंडर सुपर न्यूमरेरी कोटा एक्सेप्ट PWBD, यानी सुपर न्यूमरेरी कोटा का कोई एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, PWBD के छोड़ के, ठीक है। एडमिशन फीस विल बी टेकन ओनली थ्रू द मॉप ऑफ एडमिशन पोर्टल, यानी जो एडमिशन होगा वो मॉप ऑफ राउंड मॉप ऑफ का जो पोर्टल बनाया गया वहीं पे होगा। आप सोचिएगा जो लोग CSAS के पार्ट थे, अब यहाँ पे आके आप मान लीजिए आपका मॉप ऑफ राउंड वन में नहीं हुआ, तो सोचिएगा मॉप ऑफ राउंड टू में आपका एडमिशन हो जाए वो फीस एडजस्ट हो जाए तो वो नहीं होगा, ठीक है। वो फीस आपका रिफंड आ जाएगा पर आपको अलग से पेमेंट करना होगा, मॉप ऑफ राउंड के लिए अलग पोर्टल बनाया गया तो वहीं पर आपको पेमेंट करना होगा। आप शेड्यूल आइए समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे टाइमिंग बताया गया, जैसा मैंने बोला था स्टार्टिंग में टाइमिंग हो सकता है नीचे हो तो आपका यहाँ पे दिख रहा है। जो वैकेंट सीटें हैं जो भी शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज एंड प्रोग्राम के लिए, वो admission.uad.ac.in पे पब्लिश किया जाएगा 14 अक्टूबर, यानी कल आपका होगा पब्लिश किया जाएगा 5 बजे शाम में। उसके बाद जो भी कैंडिडेट होंगे उनको अप्लाई करना होगा कॉलेज एंड प्रोग्राम के लिए, जो कल शाम के 5 बजे से स्टार्ट होगा और 15 अक्टूबर रात के 11:59 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी बीच में कीजिएगा अपना जो भी कॉलेज और प्रोग्राम जो भी प्रेफरेंस डालना है वो अपना डाल लीजिएगा एलिजिबिलिटी चेक करके, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद जो कॉलेज होंगी वो 2 बजे 16 अक्टूबर को 2 बजे से दिन में 2 बजे से लेके 5 बजे 18 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक कॉलेज आपका एडमिशन को ग्रांट करेगी, जो भी आपका एडमिशन हो जाए। हो सकता है किसी का 16 तारीख को एडमिशन के लिए वहाँ पे मैसेज आ जाए पोर्टल पे, हो सकता है किसी को 17 को आए, हो सकता है किसी को 18 को आए, ठीक है। तो जो भी सीटें रहेगी ना वो कॉलेज आपको वहाँ पे सिलेक्ट करती जाएगी आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, जो भी लास्ट डेट होगा पेमेंट करने का वो 19 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर शेड्यूल रहा, तो आप प्रॉपर शेड्यूल को अच्छे से समझ लीजिए। अब देख लीजिए जो भी कैंडिडेट होंगे वो उनको एडवाइस किया जाता है कि admission.uod.ac.in पे आप रेगुलरली वहाँ पे रहिए, मतलब एक्टिव रहिए, वहीं पे आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो कल वेट कीजिए, कल शाम के 5 बजे आपका वैकेंसी आने वाला है, तो जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये रहा शेड्यूल, होप ये आपको समझ में आया है। मैंने कोशिश की आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया वो अच्छे से समझा पाऊँ, और जो भी लाइन बाई लाइन जो भी था आपको मैंने जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको समझा दिया, हो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए, जिनको भी जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।